फर्स्ट टेंथ क्लास साइंस में चैप्टर सेकंड ह्यूमन सिस्टम मानव तंत्र। इसमें द ह्यूमन बॉडी इज अ वंडरफुल एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ नेचर दैट ऑपरेट्स बाय द इंट्रैक्शन ऑफ इट्स डिफरेंट स्ट्रक्चरल यूनिट्स। मनुष्य का जो शरीर है वह एक वंडरफुल और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है नेचर का, जिसमें बहुत से स्ट्रक्चरल यूनिट्स मिलकर अलग अलग काम करती हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी बिगिंस विथ एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स एंड टुगेदर विथ सेल्स टिश्यूज ऑर्गन्स एंड कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम फॉर्म्स द ह्यूमन बॉडी। शरीर का जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉडी का, वो स्टार्ट होता है एटम मॉलिक्यूल और कंपाउंड से, जो मिलकर के साथ मिलकर के सेल्स टिश्यू ऑर्गन और कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम मिलकर ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। द ह्यूमन बॉडी वर्क्स विद म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट्स। ह्यूमन जो बॉडी जो है वो काम करती है इसके कॉन्स्टिट्यूट्स के, यानी इसके पार्ट्स के साथ मिलकर, आपस में साथ मिलकर इसके जो कॉन्स्टिट्यूट्स है वो मिलकर ह्यूमन बॉडी के काम करते हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल जो है बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ये सेल की डेफिनेशन भी होगी। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। डिफरेंट सेल वर्क फॉर डिफरेंट बॉडी फंक्शन। अलग अलग सेल जो है अलग अलग बॉडी फंक्शन करती है। ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूट्स और टिश्यू। ये टिश्यू की डेफिनेशन है। ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूट्स और टिश्यू। सेल का ग्रुप्स, सेल के जो ग्रुप्स होते हैं जो सेम फंक्शन करते हैं, एक समान काम करते हैं, उनको टिश्यू बोलते हैं। यानी एक समान काम करने वाले सेल्स को टिश्यू बोलते हैं। सच एज मसल्स बॉन्स इट्स एक्स्ट्रा। जैसे कि मसल्स और बॉन्स है, ये टिश्यू का एग्जांपल है। टू और मोर टाइप ऑफ टिश्यूज इंटरेक्ट विद ईच अदर टू डिस्चार्ज ए फंक्शन। दो से ज़्यादा टाइप के टिश्यू एक साथ में मिलकर एक विशेष तरह का काम करते हैं। सच ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स एन ऑर्गन। इस तरह के टिश्यू का जो ग्रुप्स होता है वो सेम जो फंक्शन करता है उसको ऑर्गन बोलते हैं। ऑर्गन के एग्जांपल है स्टोमक, लीवर इट्स एक्स्ट्रा। वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड फॉर्म ए बॉडी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। बहुत से ऑर्गन, अलग अलग तरह के ऑर्गन जो शरीर के होते हैं वो एक साथ काम करते हैं, और वो सभी मिलकर, ऑर्गन मिलकर जो एक साथ काम करते हैं वो बॉडी सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सिस्टम के एग्जांपल है। वेरियस बॉडी सिस्टम्स वर्क जॉइंटली इन क्लोज कोऑर्डिनेशन एंड फॉर्म ए ह्यूमन बॉडी। अलग अलग तरह के जो सिस्टम, बॉडी सिस्टम होते हैं वो साथ मिलकर काम करते हैं और एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। यानी सबसे पहले होता है सेल, सेल मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। इन दिस लेसन यू विल बी गिवन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस सिस्टम वर्किंग इन द ह्यूमन बॉडी। इस चैप्टर में आपको ह्यूमन बॉडी के जो सिस्टम है अलग अलग, उनके बारे में बताया जाएगा या पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन बींग्स रिसीव द एनर्जी एंड रॉ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज नेसेसरी फॉर देयर बॉडी फ्रॉम द फूड। ह्यूमन जो होते हैं वो रॉ ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं जो उनकी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, और वो ऑर्गेनिक, रॉ ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो फूड होता है। द फूड इज मेड फ्रॉम वेरियस कंपोनेंट्स सच एज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। फूड जो होते हैं वो अलग अलग कंपोनेंट्स से मिलकर बने हुए होते हैं। वो कंपोनेंट्स, फूड के कंपोनेंट होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स और सॉल्ट।
मोस्ट ऑफ दीज कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द फूड आर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म. ज़्यादातर ये जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं. फॉर एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी द कॉम्प्लेक्स फूड आइटम्स आर सिंप्लीफाइड. बॉडी के एब्जॉर्प्शन के लिए ये जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं उनको सिंप्लीफाइड किया जाता है. टू एकम्प्लिश दिस प्रोसेस राइट फ्रॉम द इनटेक ऑफ फूड टू डिफेक्शन अ सिस्टम कंपेरिजिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन एंड ग्लैंड्स फंक्शन इन ए क्लोज कोऑर्डिनेशन. इस काम को करने के लिए यानी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंप्लीफाइड करने के लिए सिंपल फूड में कन्वर्ट करने के लिए बहुत से ऑर्गन काम करते हैं और ये सब ऑर्गन और ग्लैंड मिलकर ये काम करते हैं जो कि साथ में मिलकर कोऑर्डिनेशन करते हैं इसका इस काम को करने के लिए. दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये जो सिस्टम है जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में चेंज करने का काम करता है उस सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, पाचन तंत्र. इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ वेरियस केमिकल प्रोसेसेस एंड एंजाइम्स द कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स एंड लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इंटू सिंपल स्मॉल एंड सोल्यूबल सब्सटेंसेज. इस प्रोसेस में डाइजेशन के प्रोसेस में इसमें वेरियस केमिकल प्रोसेस होती है और एंजाइम्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स और लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करते हैं सिंपल स्मॉल एंड सोल्यूबल सब्सटेंसेज में कन्वर्ट कर देते हैं. द वेरियस ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स इन्वॉल्व इन डाइजेस्टिव सिस्टम आर एज फॉलोड. डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अलग अलग ग्लैंड और ऑर्गन्स होते हैं वो इस तरह से हैं जो पार्ट लेते हैं इसमें. ऑर्गन्स अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम. इसी तरह जो ग्लैंड्स है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट लेती है डाइजेशन में वो है सेलेवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज. ऑल दीज ऑर्गन्स टुगेदर मेक अप एलिमेंट्री कैनाल. ये सभी मिलकर एलिमेंट्री कैनाल बनाती है ऑर्गन मिलकर. दैट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड गोज डाउन टू द एनस. ये माउथ से स्टार्ट होती है और एनएस तक जाती है. इट इज़ अबाउट 8 to 10 मीटर लॉन्ग. यह लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डाइजेस्टिव कैनाल. इस एलिमेंट्री कैनाल को डाइजेस्टिव कैनाल कहते हैं. तो ये जो ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम के वो माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम है. और ग्लैंड जो इसमें पार्ट लेती है वह सलेवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज. ये सभी ऑर्गन मिलकर एलिमेंट्री कैनाल बनाती है जो माउथ से स्टार्ट होकर एनएस में ख़त्म होती है और ये 8 से 10 मीटर लॉन्ग होती है और इसको ही डाइजेस्टिव कैनाल भी बोलते हैं.